बिसम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत राम करने वाला है असलम आप सब कैसे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अलहमदिल्ला हम भी ठीक हैं तो आए तो फिर से इतना खूबसूरत मौसम बन गया ना तो ये मैं लाई हूँ बेरी के पत्ते मैंने मंगवाए लाइनी में बेरी के पत्ते हैं तो इसको मैं तोड़ूँगी तोड़ के इसको फिर मैं पानी में बॉईल करूँगी और अपने सब बच्चों को आप और अपने मियाँ को इससे कहूँगी कि खुद नहा बच्चों को मैंने ला लूँगी और फिर मैं आपको भी बता रही हूँ जब शबान की रात होती ये जो है ना शबरात की रात शब बारात शब बारात की रात जब आती है तो इबादत करने से पहले बेशक सुबह से लेकर शाम तक आप नहा सकते हैं अगर कोई बंदा सात बेरी के पत्ते ले और उसको पानी में बॉईल करे और फिर उससे नहाए तो पूरा साल जो है ना जादू टोने का कोई असर नहीं उस पर होता तो इस जादू से बचने के लिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसमें से एक ये भी चीज़ है कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ये दो दिन बाकी की चीज़ें जो है ना कभी भी कर सकती है साल के पूरे दिन अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती दे और हम करते रहते हैं वजीफ़े लिखाई बुझाई हम करते रहते हैं जब ये शबरात की रात आती है ना शब बारात जैसे कि पंद्रवीं शौबान की रात होती है उसको शब बारत कहते हैं उस रात से पहले हमने पूरा दिन हमारे पास होता है सिर्फ़ एक दिन साल के बाद ये एक दिन आएगा तो उस दिन में हमने नहाना है बेशक शाम तक बंदा नहा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह कर ये, करन... ये इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो हासदीन है हसद करने वाले वो जादू टूना करेंगे तो उसके असर आप पे नहीं होगा आप इर्द गिर्द नज़र उठा लीजिए जितने भी परेशानियाँ उसमें से बड़ी परेशानी है हसद और जादू की कोई खा रहा है ना कोई गाड़ी किसके पास है किसी के पास घर है अच्छा कोई कपड़े अच्छे पहनता तो उस पर लाजमी जादू होता है तो ये मैं साथ साथ आपको कपड़े दिखाती रहूँगी बताती रहूँगी और मैं आपको वो बात भी बताऊँगी कि जो मैं जादू के मतलब आपको बेरी के पत्ते बता रही थी ये मैंने अपने घर वालों के सब के सब एक जैसे हमने कपड़े लिए ये हमने दो लड़कों के यानी कि एक मेरे मियाँ साहब का और मेरे एक बेटे का है तो मैंने अपने और अपनी बच्चियों के जो है ना वो खुद सिलाई की ये ये दर्जी से हमने सिलवाए हैं तो ये हमने शबरात वाले दिन जो है ना नहा धो के बे, बेरी के पत्रों से जो हमने पत्ते उतारे है ना हमने नहाना है उससे और इन जो है ना मैं आपको बता रही थी फिर पूरा साल जो है ना हम पे जादू नहीं होगा तो कोई कहता है कि ये खा क्यों अच्छा रहा है कोई कहता है ये पहन क्यों अच्छा रहा है कोई कहता है इसके घर इसके पास घर क्यों है गाड़ी क्यों है उसकी वजह से ना एवें जादू टूना उस पर करने शुरू कर देते हैं तो आप भी चाहते हैं कि हम जादू से बचे रहें तो आप ऐसे करें सात पत्ते जो है ना बेरी के उतारें उतार के उसको बॉईल करें और मैं बार बार पता है आपको क्यों बता रही हूँ मैंने अपनी बेटी को एक दिन का कि ना आप ये काम करो तो वो कहती है मामा ये कहाँ रखूँ उसके पास कोई चीज़ चीज कहाँ रखो तो मैंने कहा सर पे रखो उसने मेरे सर पे ही आ रख दी तो मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि आपको भी पता नहीं ये नाव के साथ पते तोड़ के आप रख ही दे उसको पानी में बॉयल करना है फिर उससे नहाना है तो इन श्ला जादू के जो असरात है वो नहीं होंगे तो इन शाला जो इबादत होगी कोशिश करूँगी आवाम बहुत आई हुई होगी तो थोड़े से क्लिप जो है ना आपके लिए भी मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो इन कोशिश करूँगी अगर मुझसे हो सका तो आज के दिन जो है ना वो मैं आपके साथ ये सारे कपड़े जो शेयर कर रही हूँ ये मेरे मेरे बच्चियों के मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के जो कपड़े हैं ना हमने सब इकट्ठे एक ही थान लेके ना उससे बनवाए अगर सर्दी हुई बारिश का मौसम मैंने आपको दिखाया है फिर तो आप मोटे ही कपड़े पहनेंगे जर्सियाँ वगैरह पहनेंगे अगर ना हुई तो ये पतले पतले दुबटे हैं और कहाँ ये पहने जा सकते हैं वैसे मैं इसके अंदर जो होती है ना हिजाब वाली टोपी वो लाजमी कैप जो होती है ना वो मैं डालती हूँ क्योंकि बाल जब ना नज़र आ रहे होते हैं ना तो नमाज़ नहीं होती तो दो दुपट्टे होते हैं मेरे पास जब ये बम दुपट्टा लेती हूँ ना दो दुपट्टे होते हैं पहले मैं कैप भी डालती हूँ सर के ऊपर जो है ना बालों को कवर कर, कवर कर लेती हूँ पूरा और फिर मैं जो है ना दुपट्टे एक दुपट्टे का मैं हजाब कर लेती हूँ और दूसरा दुपट्टा जो है ना वो मैं ऊपर ले लेती हूँ उस वक्त नमाज जब पढ़ रही हूँ तो ये मैं आपको दिखा रही है मेरे छोटे बेबी के माशाल्लाह माशाल्लाह ये कपड़े मैंने सिलाई किए और ये दुपट्टे मैंने आज कहाँ कहाँ रखे हुए थे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक के साथ वाइट है और बाकी दो के साथ जो है ना वो कमीज़ों के साथ की है शिलवर के साथ का ये वाइट है और इसके ऊपर मैंने लेस लगाई और एक के ऊपर मैं लगा सकी हूँ दोपट्टे के ऊपर बाकी के मैंने दोपटों पर लेस अभी मेरे पास टाइम ही नहीं था मैंने आपको बताया कि सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ फारग नहीं बैठती तो ये मेरे पास मैं आपको थोड़े से क्लीफ क्योंकि अब मैंने बताया था ना कि कोई औरतें वो मूवी या ऐसी वीडियो नहीं बनाने देती बल्कि फ़ोन ही नहीं पकड़ने देती उनको पता पता नहीं क्या है वो मेरे पास इतनी बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं जो कुरान मजीद पढ़ने आती है तो वो मैं पढ़ा रही थी तो आज मेरे पास कोई भी नहीं निगार नहीं था सब कुरान खानी और मिलादों पे थे तो फिर मैं अकेले ही थी जो मुझसे हो सका मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ मेरे पास वो भी आती जिनके हो है जिनके निकाह हो चुके होते हैं रुखसती होने वाली होती है और कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती और नहीं पढ़ी हुई होती वो कहती है तो मैं कहती हिम्मत करो इन श्ला हिम्मत भी देगा ताकत और तुम ये काम करो तो सही अल्लाह तीस इसमें बरकत डाले वो मैंने उनको कितनी औरतें हैं जिनको मैंने पढ़ाया है बिल्कुल आखिरी सबक तब उनकी बारात आती थी तो उधर से ही पढ़ के दुल्हन बनने जाती थी पार्लर में जाती थी तो ये औरत थी तो मैं उसको पढ़ा रही थी फिर शाम का टाइम हो गया अकेली थी तो मैं पता नहीं मैं कहती क्या करूँ ये मैंने धनिया एक जगह पे देखा था मैंने एक वीडियो को आपको ना वो फसल की जो है ना वो मूवी बना के दिखाई थी वीडियो बनाई थी तो उसमें से धनिया जो है ना वो बच गई और तोड़ के लाई मुझे समझ नहीं आई ये मेथी थी और हरी मिर्चें थी और मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो ये तो मेथी के तो मैं बना लूँगी पराठे और ये धनिया है ना धनिया और पुदीना जो है इसकी मैं चटनी बना के रमज़ान के लिए स्टोर कर दूँगी इतना ज़्यादा था फिर मैंने सोचा कि अपने लिए तो मैं तो कुछ मिलाद पर गई थी मैंने खाना खा लिया और फिर हमने बनाए आलू और मूली मूली का सालन बना लिया ताकि सुबह जो है ना पराठों के लिए काम आ सके तो मैं आपको बता रही थी कि ऐसी रातें होती हैं जो के साल के बाद आती हैं इनकी रहमतें और बरकतें लूटनी चाहिए अगर इस रात को सौ नफल पढ़ेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया उस वक्त तक उसकी मौत नहीं होगी जब तक कि जन्नत में अपनी आँखों से अपना बना घर ना देख ले तो हमारी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि हमें अल्लाह घर गता फरमाए अच्छा और सुथरा गारता फरमाए और मेरी भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी गहराता फरमाए अब मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे शहर में घर रहता फरमाए तो इन मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएंगे और मैंने जब पिछले साल मैंने दुआ मांगी थी इस रात को महराज की रात को शिवराज की रात को और सत्ताईसवीं की रात को मैंने नफल भी पढ़े और मैंने दुआएं भी मांगी अल्लाह मुझे एक और बेटा अता फरमा और एक और हाफज़ कुरान अता फरमा तो अल्लाह तला ने देख लीजिए आपको मेरे सामने शेर बातें करती रहती हूँ आपको दिखाती रहती हूँ कि अल्लाह ताली ने मेरी तमाम दुआएँ कबूल फरमाईं और जो कुछ मैंने अल्लाह पाक से मांगा अल्लाह ताला ने दिया और मेरी औकात से ज्यादा अल्लाह अता फरमाया अब भी इस रात को मैं खूस दुआ मांगूंगी हर काम के लिए मैंने कामयाबी के लिए दुआ मांगी है अब मैंने अब जो मैंने चैनल बनाया है ना तो मैंने उसके लिए दुआ मांगनी है अगर मेरी वीडियो आज की पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपनी दुआ में याद रखिएगा और शबरात शब बरात की रात जो संडे की रात है वो है कि आपने लाजमी नफल पढ़ने अपनी दिली मुरादे अल्लाह ताला से मनवानी और मांगनी है तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कितने आपने नफल पढ़े तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगी कि मैंने कितने पढ़े और किस तरह इबादत की ख़त्म पाक कलाम पढ़े कुरान मजीद पढ़े ताकि अल्लाह ताला हमारे मसले मसाइल हल करे अल्लाह